यो 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 व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग फ्री फायर को अपने पीसी के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर खेलते हो एंड अगर आप लोग एक नए पीसी प्लेयर हो, ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देख के जानते हो, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है अपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ कैसे सेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब अपने हैंड को कैसे सेट कर सकते हो फ्री फायर के लिए। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ट्रिक बताऊंगा जिसको यूज कर गाइस आप लोग जो आराम से कम टाइम में लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में गाइस आप लोग आराम से एकदम मतलब पीरो की तरह गेम खेल सकते हो, ठीक है, एंड हेडशॉट वगैरह भी मारना सीख सकते हो। आप लोगों को मैं बेसिकली गाइस कुछ मिस्टेक्स भी बताऊंगा जिसमें जो कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, जो कि मैंने की थी एंड गाइस जिसकी वजह से मैं लगभग 6 महीने तक पीसी में मेरा एकदम गेम प्ले टट्टी था, बट अभी सर वो सारी मिस्टेक को मैंने सुधार लिया एंड मेरा गेम प्ले गाइस अभी आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा नहीं लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। तो अगर आप लोग गाइस ऐसा जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड अगर आपको गाइस कोई भी डाउट आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है गेम के रिकॉर्डिंग, अगर आपको गाइस मतलब पीसी में गेम खेलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरे को कमेंट करना किसी भी टॉपिक रिगार्डिंग, भैया हमको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इस पर जो वीडियो बना दूंगा एंड बहुत सारी भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई पीसी के रिगार्डिंग, तो आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट टिप है गाइस वो है यहाँ पर बेस्ट की मैपिंग। तो अब अभी आप लोग बोलोगे भाई हमारी की मैपिंग बढ़िया है, हमारा सब हम तो भाई एकदम मतलब राव के फिफ्थ का की मैपिंग कॉपी किए हैं फिर भी हमारा गेम प्ले टट्टी है। तो देखो होता ये है कि हम लोग जब पीसी के अंदर फ्री फायर को या अपने ब्लूस्टैक के अंदर जो ब्लूस्टैक को इंस्टॉल करते हैं फिर इसमें फ्री फायर को इंस्टॉल करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे मतलब हम लोग को कुछ समझ में आता नहीं एंड उसके बाद हम लोग यूट्यूब पर जो सर्च करते हैं बेस्ट की मैपिंग वगैरह एंड उनमें से जो बंदा बढ़िया खेलता है, जैसे कि आपको मतलब ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी यूट्यूब पे जिसमें बेस्ट की मैपिंग दिखाई जाती है, ठीक है, उनमें से अगर आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएगी तो आप लोग क्या करते हो ना उन्हीं का की मैपिंग एक बार कॉपी करोगे एंड उसके बाद जो गेम खेलना स्टार्ट करोगे, ठीक है, बट ट्रेनिंग में जाओगे भैया बंदा आपको मार के चला जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे दूसरे बंदे का की मैपिंग कॉपी करोगे, ठीक है। तो आपको गाइस ये गलती नहीं करनी है, आपको गाइस सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि आपको किस बंदे का, ठीक है, आपको किस पर्टिकुलर बंदे का या फिर आपको खुद का जो की मैपिंग आपको बनाना है आपको मतलब क्या कॉपी करना है, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर गाइस मतलब ऐसा तो भाई टाइटल थंबनेल होता है कि बेस्ट की मैपिंग ही वो, बट एक्चुअल में गाइस वो बेस्ट की मैपिंग नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों गाइस आपके अकॉर्डिंग जो की मैपिंग रखनी है एंड अगर आपको मेरी की मैपिंग जाननी है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, वैसे भी मैंने अपनी की मैपिंग वीडियो बनाई नहीं है तो आपको डिटेल में बता दूंगा अगर आपको जानना है तो। बाकी ऐसा आप लोग किसी का भी जो यूट्यूब पे कॉपी कर सकते हो लेकिन आप ये इस बात का ध्यान रखना कि आपको उसको बार बार बदलना नहीं, ठीक है, आपको केवल एक ही बंदे का गाइस जिसको जिस पर आपको जिसका मतलब आपको भरोसा है भैया इसका गेम प्ले अच्छा है, इसका गेम प्ले इसका की मैपिंग मुझे मतलब सही लग रहा है, इसका थोड़ा सा बटन वगैरह जिसने बताया है वो थोड़ा सा क्लोज है मतलब आपको, तो उसी को गाइस आपको चूज कर लेना है एंड उसके बाद उसी में आपको गेम खेलना, तो आप लोग धीरे धीरे 10 दिन के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस होती रहेगी एंड आपका गाइस आराम से जो हाथ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड टाइप है गाइस यहाँ पर यूज माइक्रो इन स्टार्टिंग, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलोगे भाई ये क्या बोला, तो देखो गाइस माइक्रो आपको लगाना कंपलसरी है, मैं आपको इसलिए ऐसा बोला क्योंकि देखो पीसी के अंदर ना पीसी के अंदर जो सबसे मतलब मैंने जो चीज़ नोटिस की है विदाउट माइक्रो गाइस वो यहाँ पर आता है प्रॉब्लम होती है ना 2 AWM चलाने में एंड आपके यहाँ पर सिटअप गुलवाल लगाने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइस ये जो छोटी मोटी चीज़ जैसे कि सिटअप गुलवाल 2 AWM एंड उसके बाद यहाँ पर सुपर फास्ट इमोट ये सारी चीज़ें के लिए गाइस आपको माइक्रो लगा लेना है। आपको यूट्यूब पर सर्च करोगे जैसे सिटअप गुलवाल माइक्रो तो आपको यहाँ पर सिंपली बहुत सारी वीडियो आ जाएगी एंड अगर आपको मेरा मतलब अगर आपको मुझसे चाहिए वो वीडियो तो आप लोग कमेंट कर देना भाई माइक्रो के ऊपर वीडियो बना, ठीक है, मैं बहुत जल्द बना दूंगा। तो अभी हम लोग गाइस यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा था आपको माइक्रो लगाना है, ठीक है। तो अभी माइक्रो आप लोग बोलोगे भाई चलो ठीक है हमने माइक्रो लगा दिया इसका प्रॉफिट क्या होगा, तो देखो जब आप लोग स्टार्टिंग से माइक्रो लगा के खेलो ना तो इसकी आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो पीसी के अंदर गाइस आप मानो चाहे मत सेटअप गुलवाल लगाना, ठीक है, सेटअप सीख करके भी मतलब सेटअप गुलवाल लगाना विदाउट माइक्रो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। तो जब तक गाइस आप लोग माइक्रो नहीं लगाओगे तो मेरे हिसाब से आप बढ़िया गुलवाल नहीं लगा पाओगे, बाकी आप लगा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने भाई यही चीज कांडी की थी, मैंने बोला था मैं ईमानदारी से खेलूंगा जब मैंने स्टार्टिंग की थी, बट बाद में गाइस मैंने माइक्रो लगाया क्योंकि गाइस विदाउट माइक्रो सेटअप लगाने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, एंड AWM में अगर 2 स्नाइपर चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपको ओके गाइस स्टार्टिंग से माइक्रो लगाना है, ठीक है, एंड उससे आपकी आदत पड़ जाएगी। तो अभी हमारा जो लास्ट एंड थर्ड टिप है गाइस जो लास्ट टिप है वो है यहाँ पर बॉडी शॉट प्रैक्टिस इन स्टार्टिंग। तो अभी आप लोग बोला कि भाई हमको बॉडी शॉट मारने के लिए क्यों बोला, ठीक है, हम वन टैप नहीं मारे क्या। तो देखो आपको वन टैप मारना है बट आपको गाइस वन टैप तब मारना है जब आपका जो बॉडी शॉट लग रहा है वो मतलब आराम से लगने लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता ये है कि जब हम लोग गाइस क्या करते हैं ना थोड़ा सा मतलब सीख जाते हैं भाई मतलब बंदों को मारना, ठीक है, थोड़ा बहुत ही शिफ्ट वगैरह मतलब थोड़ा सा तेज होने लगता है, स्पीड वगैरह जब तेज होने लगता है तो भैया क्या करते हैं ना अभी बॉडी मारना सीखे नहीं गाइस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वन टैप की प्रैक्टिस करना, ठीक है। यूट्यूब पर से वीडियो देखा टिप्स एंड ट्रिक्स एकदम अचानक भयानक रॉकी फेप बनने की पूरी प्रैक्टिस करने लगते हैं कि ताकि हम वन टैप मारना पाए। तो देखो मैं यहाँ पर आपको मना नहीं कर रहा हूँ आपको वन टैप नहीं मारा, बट जब तक गाइस आप लोग बॉडी शॉट नहीं सीख पाते तब तक आपको अभी वन टैप की प्रैक्टिस नहीं करनी, जिससे यार देखो
आपका ना ही वन टाइप ना लगता है, फिर ना ही मतलब बॉडी लगता है, ठीक है। उसके बाद बोलोगे भैया हमारा हाथ जल्दी सेट नहीं हो रहा मतलब कीबोर्ड पे, ठीक है, बंदा हमको मार के चला जाए। तो देखो जब तक ऐसा आपको एम लॉक करना नहीं आता एनिमी के ऊपर, आपके बंदे के ऊपर जब तक एम लॉक करना आता नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं दिखाना, तब तक भाई मेरे हिसाब से वन टाइप मारना बेकार है, ठीक है। जैसे कैसे अभी मैंने लगभग एक महीने बॉडी शॉट की प्रैक्टिस की, मेरा बॉडी शॉट लगभग बहुत ही अच्छा लगने लगा था। एंड उसके बाद जैसे अभी आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं मैं थोड़ा बहुत जो वन टाइप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ज़्यादातर जो क्लिप्स है ना वो ट्रेनिंग ग्राउंड के ही डाले, क्योंकि अभी मैं वन टाइप की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा वन टाइप उतना अच्छा लगता है नहीं। तो आपको गाइस पहले बॉडी सीखना उसके बाद ही वन टाइप मारना, ठीक है। तो ये तो था गाइस वीडियो, मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। सबसे पहले आपको बेस्ट की मैपिंग, आपको की मैपिंग सिर्फ एक पर एक ही मतलब करनी है, ठीक है। आपको उसको बार बार छेड़ना नहीं, ये कर दिया वो कर दिया। एंड उसके बाद आपको स्टार्टिंग से ही मैक्रो लगाना है। एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर पहले बॉडी शॉट खेलना है, उसके बाद जो है आपका मतलब उसके बाद आपको वन टैप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग अपना मतलब अगर आप ये तीनों चार टिप्स को मेरी फॉलो करते हो तो आप लोग जो है ना आपका जो मतलब आपका जो हैंड है गाइस वो आराम से एक महीने हफ्ता दस दिन एक महीने उसको आपको थोड़ा सा प्रेफर करता है आप कितना दिन में गेम खेलते हो। अगर आप ज़्यादा खेलते हो तो यहाँ पर आप कम टाइम में जो अच्छा खासा हैंड सेट कर सकते हो, ठीक है। एंड अपने गेम प्ले को पीसी के अंदर एकदम ओपी बना सकते हो। बट अगर आप लोग दिन में थोड़ा सा कम गेम खेलते हो तो आपको जो मतलब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा वीडियो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा ना, आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।